जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, मैं कुछ दिन से अभी ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं काम करने गया था टाटा मेन हॉस्पिटल, तो रात के करीब 12:30-1 बजे, तो वहाँ से मैं जब काम देखने के लिए गया था ना, तो मेरे क्रेन का बूम ऑलरेडी पेड़ में टच था, तो वहाँ से एक लकड़ी टूट गया ना। जैसे मैंने ऊपर देखा तो वहाँ से एक लकड़ी टूट गया, सीधा मेरे फेस पर गिर गई थी इस जगह पर। तो मेरी ये आँख अंदर साइड से ना थोड़ी सी दाग गया, यानी कि रेड टाइप की हो गई थी और हल्का जैसे लग रहा था कट हो गया। तो उसी के कारण मैं ब्लॉग वगैरह नहीं कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आँख में डस्ट और पानी नहीं लगना चाहिए। तो गाइस, अब मैं फाइनली ठीक हो चुका हूँ। कुछ दिन और दवाई खानी है जिससे आँख मेरी पूरी ठीक हो जाएगी। तो गाइस, फिर फाइनली मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं आज आया हूँ बर्मा माइंस बेजिंग प्लांट। हालांकि मैं क्रेन ही चलाता हूं, पर आज मुझे क्रेन से क्रेन को लोड करना है। तो गाइस, ये थोड़ा सा आज पूजा के टाइम में ये काम मिला है मुझे। आज यानी कि नवरात्रि का छठा दिन है, यानी षष्ठी के दिन मुझे आज ये काम करना है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये क्रेन, ये वाली क्रेन हमें अब लोड करनी है। और ये क्रेन यहाँ से जाएगी कलिंगानगर, यानी कि टाटा स्टील जो वहाँ प्लांट है ना, उड़ीसा कलिंगानगर जाजपुर, वहाँ ये क्रेन जाने वाली है। तो गाइस, दूसरी क्रेन भी आ चुकी है। तो गाइस, आज मेरे साथ है रोहित और सिंटू, तो आज फटाफट से लोड करते हैं। उसके बाद आज पूरे दिन भर मुझे काम बहुत ज़्यादा। तो गाइस, देख सकते हो वो दूसरी क्रेन भी आ चुकी है। रोहित आ चुका है, और रोहित भाई रेडी हो ना? बढ़िया एकदम। तो जल्दी करो यार, फिर नो एंट्री लग जाएगा। उसका सेलिंग आया, बस लगाया, उठाया, खत्म। हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी हो जाए काम, 11 बजे नो एंट्री लग जाएगा। 11 बजे के लगे लेके सुबह खुलेगा 4 बजे, यानी कि आज 11 बजे अगर नो एंट्री लग जाएगा तो सुबह 4 बजे भोर में खुलेगा, यानी कि 4 बजे से 11 बजे तक ही हमारे पास टाइम है। तो भाई जल्दी से जल्दी करो, आज दिन भर हमें बहुत ज़्यादा काम है। वही तो हम लोग भी सोच रहे हो, गाड़ी हमको भी दूसरा कंपनी में लेके जाना है, वहाँ पर भी फोन आ रहा है। आज देख सकते हो सिंटू भी आई है। तो भाई फटाफट करवाओ यार, हो रहा मस्ती मजाक मत करो। चलो स्टार्ट करें। तो गाइस, फाइनली टेलर भी आ चुका है और हमने सीलिंग लगा के क्रेन को रेडी कर दिया है। तो बस अब लोडिंग खाली करनी है। तो गाइस, हमने क्रेन लोड कर दी है और अभी की जा रहे हैं यार्ड, और क्रेन मेरे पीछे ही आ रही है। Thank you.
क्रेन लोड करके आ गए हैं गैरेज में, अपना गाड़ी खड़ा कर दिए हैं और अपना यारे बैठे हैं। गाइस होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा गाइस, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।